बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलत नबूवत से सरफराज होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कई दिन बाद घर तशरीफ लाए। देखा कि सामने वालिद संगे तराशी में मसरूफ़ हैं। वालिद ने गज़बनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नज़रअंदाज करके झुक कर एक तराशीदा छोटा सा बुत उठाया और अदब एहतराम मलहूज़ खातर रखते हुए नहायत मोहब्बत से वालिद से खातिब हुए, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूजते हैं जो ना सुने ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें? अब्बा जान, मुझे ऐसा इलम मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। आप शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले और आप शैतान के साथी हो जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, जा हमेशा के लिए मेरी नज़रों से दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वह मुझ पर बड़ा मेहरबान है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्यौहार आ गया। कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दर हकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चनाचा जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आज़र के हाथों से तराशे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कांधे पर लटका कर अपने घर वापस आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया है, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बुत का किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था, लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहरमती की हिम्मत ना हो। चनाचा पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई, यहाँ तक के अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को इसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपश की वजह से कोई भी इसके करीब ना जा सकेगा, लिहाजा आप इब्राहीम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था जो न नमरूद के कुंजहन में आया था और ना ही इसके मशीरों और मुसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना, तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो, मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज़ को काफ़ी दूर तक फेंका जा सकता है। चनाचा कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। अलामा अमादुद्दीन इबन कसीर रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगबारी की ये दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हिजन था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वह क़यामत तक ज़मीन में ही धंसा रहेगा। तारीखी रवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। दरअसल कौम नमरूद लकड़ियां जमा करने का काम अपने बातिल माबूदों की खुशनूदी के लिए कर रहे थे ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराजगी ख़त्म कर दें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफी हो सके। लकड़ियाँ जमा करने के बाद 7 दिन और रात पूरी कौम इसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहाँ तक कि उसके शोले फजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज़ो गज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पलड़े में बिठा दिया गया।
इबलीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदल कर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगम्बर खुदा मंजनीक के जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उसी वक्त मलाइका समेत जमीन व आसमान की सब मखलूकात चीख उठी, या रब तेरे खलील पर क्या क्यामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ अगर मदद कर सकते हो तो कर लो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत की है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज़ है। अरशादे बारी ताला है और हमने हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी पड़ जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। उल्मा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाला ना कहता तो इस आग की ठंडक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मौजज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुल गुलजार बन जाने की सूरत में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से ज़ाहिर हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। हज़रत इब्ने अब्बास और सईद बिन मुसैब से मरवी है कि जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के सपुर्द किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा और मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊँ। लेकिन अल्लाह का हुक्म इसकी सोच से भी ज़्यादा बरक रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। इन नाजुक लम्हात में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और आपकी पेशानी मुबारक से पसीना पूंछ रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आपको नहीं पहुंची। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोज आग से तपश व गर्माइश खत्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर न लोगों के चूल्हे गर्म हो सके न ही आग से कोई काम लिया जा सका। हजरत काब ने मजीद फरमाया कि उस रोज आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और न जलाया। हजरत सदी फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और एक मील तक साया ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बाग गुलो गुलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपने शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते वक्त कहे, ऐ इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इब्ने असाकर हजरत अकरमा से रवायत करते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब अपने लखते जिगर को गुलो गुलजार में यूं मुतमैन देखा तो पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करके तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालिदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानब चली और आग ने उन्हें कुछ न कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले से लगाया और बोसा देकर वापस लौट आईं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आपकी उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में तीन अकवाल हैं। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे, बाज़ ने तहरीर किया है कि 40 दिन और बाज़ के मुताबिक 50 दिन तक आग में रहे। कुरान करीम में आतिश नमरूद के जिसमें अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, इसका 4 मकामात पर जिक्र आया है। दोस्तों, नौजवान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने अल्लाह पर कामल ईमान और यकीन था कि सिर्फ एक अकेला शख्स बातल की तागूती कूतों के मुकाबले में इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़ा हो गया और जब कौम नमरूद ने आग के भड़कते समंदर में फेंका तो लबों पर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील था। आज 58 मुस्लिम ममालक को 2.5 अरब से जायद मुसलमानों के पास दुनिया की हर नेमत वाफर मकदार में मौजूद है, बशमूल एटमी कुव्वत के। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है ईमान और यकीन की कुव्वत की, और सिर्फ इसी एक महरूमी ने उम्मत मुस्लिमा को दुनिया भर में जलील ख्वार कर रखा है।